Hi guys, welcome to Study IAS. This is Pragya Mittal and we were studying social religious reform movements. And हम इस लेसन में पढ़ेंगे अबाउट मुस्लिम रिफॉर्म मोमेंट्स कि जो मुस्लिम सेक्शन है उसकी आइडियोलॉजी में कैसे चेंजेस आते हैं एंड कैसे वो सोसाइटी पर इम्पैक्ट लेकर आते हैं. एंड इवन वी विल ऑल्सो लुक कि कैसे जो ये मुस्लिम रिफॉर्म मोमेंट्स थी उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट किया, जो नेशनल मूवमेंट थी उसको सपोर्ट किया. तो लेट्स स्टार्ट. जो फर्स्ट मूवमेंट है दैट इज़ अबाउट वहाबी मूवमेंट. इसमें जो मेन एजेंडा था इस पर्टिकुलर मूवमेंट का वो था कि कैसे जो इंडिया है उसको बनाना है लैंड ऑफ इस्लाम. टीचिंग्स थी अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया की और शाह वलीउल्ला की जो कि इंस्पायर कर रहे थे इस पर्टिकुलर मूवमेंट को. ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी जहाँ पर कह रहे थे कि जो इस्लाम है उसके ट्रू स्पिरिट में उसको वापस आना चाहिए. एंड जो अब्दुल वहाब थे वो फर्स्ट इंडियन मुस्लिम लीडर थे 18th सेंचुरी के जिन्होंने मुस्लिम्स को टू फोल्ड आइडियाज़ में डिवाइड किया था. पहला जो काम वो कह रहे थे, वो कह रहे थे कि जो मुस्लिम्स के चार स्कूल्स हैं उनको एक साथ लेकर आना चाहिए ताकि उसमें हारमोनी इस्टेब्लिश हो सके. इवन ये भी कहा कि जो मुस्लिम्स के डिफरेंट स्कूल्स हैं उसके अंदर जो भी बेस्ट एलिमेंट्स हैं उनको इंटीग्रेट कर कर एक जगह पर हमें लेकर आना है. सेकेंड जो पॉइंट वो कह रहे थे, वो कह रहे थे कि जो इंडिविजुअल कंसाइंस है रिलीजन में उसका जो रोल है उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए और जो भी रिलीजियस कंसाइंस है, इंडिविजुअल की कंसाइंस है, वो आनी चाहिए कुरान एंड हदीस से. सो दैट वाज अ टू फोल्ड आइडियाज ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवमेंट. जो टीचिंग्स थी वलीउल्ला की उसको बाद में पॉपुलराइज किया जाता है बाय शाह अब्दुल अजीज एंड सैयद अहमद बरेली जो कि इस पर्टिकुलर मोमेंट को पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देते हैं. और ये भी कहा जाता है कि जो भी अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस आ गई है मुस्लिम सोसाइटी में उसको एलिमिनेट करना चाहिए. सैयद अहमद जो थे वो कह रहे थे कि हमें प्योर इस्लाम की तरफ जाना है एंड एक ऐसी सोसाइटी हमें क्रिएट करने की बात करनी है जो कि अरेबिया में एग्जिस्ट हो रही है, पर्शिया के या जो प्रॉफिट के टाइम पर एग्जिस्ट हो रही है सिमिलर सोसाइटी. इंडियन सोसाइटी में भी हमें मुस्लिम का जो रिलीजियस है उसको वैसे ही इस्टेब्लिश करना है एज इट इज़. दैट इज़ वाई वी आर टॉकिंग इट एज अ रिवाइवलिस्ट मोमेंट, क्योंकि ये रिवाइवलिस्ट मोमेंट है. इसके वजह से जो भी इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं दे आर सेइंग कि हमें उनको एज इट इज़ अडॉप्ट करना है और जो इंडिया है उसको कंसीडर करना है दलुल हरब से, जो कि लैंड ऑफ काफिर से, उसको हमें कन्वर्ट करना है दरुर इस्लाम से, दैट इज़ द लैंड ऑफ इस्लाम. जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई ये डायरेक्टेड थे सिक्स की तरफ पंजाब में, बट जब ब्रिटिशर्स ने अनेक्स कर लिया पंजाब को तब ये मूवमेंट डायरेक्ट हो गई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. एंड इट वॉज ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट जब जो वहाबी मूवमेंट है उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि कैसे एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स को प्रमोट करना है, इसको स्प्रेड करना है. जब ब्रिटिश मिलिट्री का जो सस्पेंशन चल रहा था उन्होंने जब सप्रेशन करना शुरू किया इस पर्टिकुलर मूवमेंट का, तब ये वहाबी मूवमेंट 1870s में विदर्ड आउट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. नेक्स्ट कम्स टू द अलीगढ़ मूवमेंट. अब हम देखते हैं कि अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुई थी एंड इसके फाउंडर कौन थे. जो फाउंडर थे इसके दैट वॉज सर सैयद अहमद खान. इन्होंने जो अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट की थी उनका मेन एजेंडा ये था कि जो भी सोशल रिलीजियस इविल्स आ रहे हैं मुस्लिम सोसाइटी में उसको ख़त्म करना. जैसे कि हमने इंडियन रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था तो देवर लाइक कि जो भी हिंदू रिलीजन में इविल्स हैं उसको ख़त्म करना है. सिमिलरली ऑन दीज लाइन्स जो मुस्लिम रिलीजन है उसमें जो भी इविल्स हैं उनको ख़त्म करना है. इवन उन्होंने कोई फॉल्स रिचुअल्स सुपरस्टिशंस उसको भी ख़त्म करने की इस पर्टिकुलर मोमेंट में बात की जाती है. एजुकेशनल रिफॉर्म्स तक इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इस पर्टिकुलर मोमेंट में ताकि जो इग्नोरेंस है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, उसको और ज़्यादा इंक्रीज किया जाए. जो मेन सेंटर था दैट वॉज अलीगढ़, दैट वॉज इन उत्तर प्रदेश. अब हम देखते हैं कि कैसे जो सर सैयद अहमद खान की लाइफ थी कैसे काम कर रही थी, उन्होंने कैसे इस पर्टिकुलर मोमेंट को इस्टेब्लिश किया. जो सैयद अहमद खान थे वो बिलोंग करते थे दिल्ली से और उनका जन्म हुआ था 1817 में. एंड 1817 में वी हैव पाइकर रेबिलियन. इनको बचपन से ही एजुकेशन पढ़ने का, नॉलेज गैदर करने का, रिलीजन, लैंग्वेज, लिटरेचर इन सब एरियाज़ में इंटरेस्ट था. इवन ये इन्फ्लुएंस भी हुए थे वेस्टर्न एजुकेशन से.
इनके फादर की जब ये बचपन में ही डेथ हो गई थी जब ये छोटे थे, एंड उसके चलते फैमिली को सपोर्ट करना था तब इन्होंने ब्रिटिश कंपनी को ज्वाइन कर लिया था आगरा में। इनका जो टाइम पीरियड था, जो इनकी लाइफ थी, वो स्ट्रगल से भरी हुई थी, जिसका इम्पैक्ट हमें लेटर मोमेंट्स में देखने को मिलता है। ये बहुत ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट पर्सन्स थे, जिसकी वजह से इनका प्रमोशन भी हमें देखने को मिलेगा, कैसे इनको फर्दर हाई पोस्ट पर प्रमोट किया जाता है। 1857 की जब म्यूटनी चल रही थी, दैट वॉज द रिवोल्ट ऑफ 1857, जब हमने पढ़ा था, तो उस टाइम पर गवर्नमेंट थी उसने एंटी मुस्लिम एटीट्यूड अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही थी कि मुस्लिम्स ने भी हिंदूज का साथ दिया है इस पर्टिकुलर रिवोल्ट में, तो वो मुस्लिम्स को ही सप्रेस करने लग गई थी। सैयद अहमद खान को बाद में लगा कि जो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट हैं वो तभी सर्व हो सकते हैं अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो सपोर्ट करना शुरू कर दें, जिसकी वजह से जो मुस्लिम्स हैं वो और ज़्यादा पास आने लग जाते हैं ब्रिटिशर्स के। 1869 में वो इंग्लैंड भी जाते हैं ताकि जो उनकी आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट कर सकें। 1876 में उनका रिटायरमेंट होता है, तब उस टाइम पर उन्होंने एक रिफॉर्म मूवमेंट लॉन्च की थी और बेस थी रिलीजियस एंड सोशल लाइफ ऑफ मुस्लिम्स, और उसके हेडक्वार्टर बनाए जा गए थे इन अलीगढ़। 1874 में उन्होंने मोहम्मदिन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल भी ओपन किया था अलीगढ़ में, एंड इसी नाम से 1878 में एक कॉलेज भी ओपन किया गया था। फिर 1898 में उनकी डेथ हो जाती है। तो दिस वाज द ओवरऑल एनालिसिस, जो जो उनकी लाइफ के इवेंट्स थे। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे, जो क्या क्या कॉजेज थे जिसकी वजह से जो सैयद अहमद खान ने मूवमेंट लॉन्च की थी, दैट वाज अलीगढ़ मूवमेंट, वो कैसे स्टार्ट हुई थी। जब क्रिश्चियनिटी आ रही थी, जब ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे इंडियन सोसाइटी पर, उस टाइम पर जब कन्वर्जन अप्रोच चल रही थी, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो कन्वर्ट कर रहे थे लोगों को क्रिश्चियनिटी में, जिसकी वजह से जो मुस्लिम जो रिलीजन है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस हमें देखने को मिल रहे थे। सुपरस्टिशंस, फाल्स रिचुअल्स जो थे वो इस्लाम के पार्ट बन चुके थे। जो मुस्लिम्स थे वो हमेशा से ही प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी में मानते थे कि सारे रिलीजन एक हैं, सारे लोग सामान्य हैं, बट जो इल ट्रीटमेंट होने लगा था दैट वॉज लो क्लासेज एंड द स्लेव्स का, क्योंकि उस टाइम पर कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, रिजिड था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्ट भी कर रहा था मुस्लिम्स रिलीजन को। म्यूटनी होती है जब 1857 की, तब एज वी हैव डिस्कस्ड जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हो जाती है एंटी मुस्लिम्स, उनका एंटी मुस्लिम स्टांस होने लग जाता है, क्योंकि दे वर गिविंग द रीज़न कि मुस्लिम्स ने हिंदूज को सपोर्ट किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 में, एंड उस टाइम पर डिक्लाइन भी हो रहा था मुगल एम्पायर, एंड जो मुस्लिम्स थे जो मुगल एम्पायर के सुल्तान थे उनका जो पावर थी वो भी कम होने लगी थी, जिसकी वजह से जो मुस्लिम्स हैं उनकी भी पॉलिटिकल पावर ख़त्म हो गई थी। अब हम देखते हैं कि क्या क्या प्रिंसिपल्स थे, जो टीचिंग्स थी सैयद अहमद खान की। वो कहते थे कि हमें उन टीचर्स को फॉलो करना चाहिए जो कुरान में गिवन है, एंड जो कुरान में प्रिंसिपल्स गिवन है वो बहुत ट्रू हैं, पवित्र हैं, एंड उनको ही फॉलो करना चाहिए। भगवान में विश्वास रखना चाहिए और उनको हमेशा याद रखना चाहिए। वो कहते थे कि जो टीचिंग्स हैं एंड जो रिलीजियस बुक्स हैं शुड बी कंसीडर्ड वाइजली। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कुरान को ही पढ़ रहे हो, जो दूसरी रिलीजन बुक्स हैं उसको भी आपको फोकस करना है। जो सारे मुस्लिम्स हैं सब इक्वल हैं, हमें किस में भी भेदभाव नहीं करना, चाहे वो लोअर कास्ट पीपल हो या स्लेव्स हो। इवन हमें मिराकल्स में भी विश्वास नहीं रखना, जो चमत्कार जिसको हम बोलते हैं उसमें भी आपको कोई विश्वास नहीं रखना, कोई सुपरस्टिशन नहीं रखना, कोई फाल्स रिचुअल्स में बिलीव नहीं करना, एंड सारे जो रिलीजन्स हैं उनको इक्वल ट्रीट करना, उनको रिस्पेक्ट करना। वो कह रहे थे कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम इट इज़ नॉट नेसेसरी टू परफॉर्म फोर्स्ड मैरिजेस, कि ज़बरदस्ती किसी की मैरिज कराना ये इस्लाम में भी कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया, इसलिए जो ये सोशल इविल है इसको अवॉइड करना चाहिए, इसलिए हमें इसको एलिमिनेट करना चाहिए, हमें इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। सो दीज वर द प्रिंसिपल्स। अब हम देखते हैं कि उनके आइडियाज़ कैसे थे। उनके लिबरल आइडियाज़ थे, उन्होंने कोशिश की थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी इस्टेब्लिश करने की। उन्होंने मुस्लिम्स को कहा था कि आपको पहले अपने आप को मुस्लिम्स नहीं करार करना, उससे पहले आपको ये देखना है कि आप इंडियंस हो, क्योंकि आप इस धरती से बिलोंग करते हो, आपको धरती माता का जो कर्ज है उसको
पूरा करना है, उसको उतारना है। इसलिए आप सबसे पहले इंडियंस हो, बाद में आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी आती है। इन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया था इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल मेजर्स ये लेकर आए थे ताकि जो मुस्लिम्स हैं, क्योंकि वो नेगलेक्टेड सेक्शन था, उनको इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जा रही थी एजुकेशन में, जिसकी वजह से ये सोशल रिफॉर्म्स लेकर आते हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। 1874 में एक स्कूल इस्टेब्लिश करते हैं अलीगढ़ में। 1878 में मुहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करते हैं अलीगढ़ में, और जो भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो था उर्दू फॉर अंडर ग्रेजुएट क्लासेस, एंड जो कॉलेज में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था दैट वॉज इंग्लिश, अरेबिक एंड उर्दू। सो दैट वॉज द आइडियाज, इनके एक लिबरल आइडियाज़ थे, कोई रिजिड अप्रोच ये नहीं अपना रहे थे। अब हम देखते हैं कि इनकी जो आइडियोलॉजी थी उसमें चेंज कैसे आता है। अभी तो वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट कर रहे थे, बट नाउ वी विल लुक कि कैसे जो उनकी आइडियोलॉजी है उसमें चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। 1857 के बाद जब ब्रिटिशर्स का एंटी मुस्लिम स्टांस हुआ, तब जो सर सैयद अहमद खान थे वो जाते हैं हिंदूज़ के पास ताकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी प्रमोट किया जाए और जो ब्रिटिशर्स हैं उनके अगेंस्ट स्टांस लिया जाए। बट बाद में इनको रियलाइज़ होता है कि जो मुस्लिम्स हैं उनका ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर वो जाते हैं इंग्लिश के पास, ना कि हिंदू के पास। और वो कह रहे थे कि बड़ा आसान है गवर्नमेंट के साथ जो एंटी मुस्लिम उनका स्टांस था उसको चेंज करना, उसको कन्वर्ट करना, जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है वो ईजिली चेंज हो जाएगा। बस इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रो गवर्नमेंट अप्रोच लानी होगी और हिंदू को एंटी गवर्नमेंट के तौर पर प्रेजेंट करना होगा। एंड एग्जैक्टली दिस इज़ वॉट दे डिड। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1855 में स्थापना हुई, तब उन्होंने कांग्रेस को करार दे दिया कि एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है और मुस्लिम्स ने उसको सपोर्ट नहीं किया था। तो यहीं से हमें दिख रहा था कैसे पार्टीशन के बीज यहाँ पर दफनाए जा रहे थे, कैसे यहाँ पर जो पार्टीशन का स्टांस है यहाँ पर ही हमें देखने को मिल गया था। डिवीजन सोसाइटी में आने लग गई थी, हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी थी उसके कंसेप्ट पर ही क्वेश्चन मार्क लग गया था। उन्होंने कांग्रेस की जो भी डिमांड्स थी उनको अपोज करना शुरू किया और इंग्लिश की जो भी डिमांड्स थी उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, ताकि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंग्लिश को फेवर करेंगे तभी उनके जो डिमांड्स हैं उनका जो शेल्टर है उनको मिल पाएगी। और हिंदूज उस टाइम पर कैपेबल नहीं थे, तो जो अल्टीमेट उनको शेल्टर प्रोवाइडर दिख रहे थे दैट वॉज ब्रिटिशर्स, दैट वॉज इंग्लिशमैन। अब उनके कैसे एफर्ट्स होते हैं कि वो मुस्लिम्स को लेकर आते हैं ब्रिटिशर्स के पास। उन्होंने अलीगढ़ एजुकेशनल सेंटर ओपन किया और मुस्लिम स्टूडेंट्स को एजुकेशन की नॉलेज प्रोवाइड की और कहा कि आपको ऐसा काम करना है जिसकी वजह से वो काम ब्रिटिश को सपोर्ट करे, ताकि इन टर्न ब्रिटिश उनकी लॉयल्टी से खुश होकर हमें कहीं ना कहीं कुछ कंपनसेशन प्रोवाइड करे। जो उनके एफर्ट्स थे रिलीजियस राइवलरीज क्रिएट करने में, उसकी वजह से ही ब्रिटिश रूल सक्सीड होता है अपना एक्सपेंशन करने में, और जो उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की उसको प्रैक्टिस करने में। तो जो डिवाइड एंड रूल का कंसेप्ट आया था वो आया था 1857 के बाद से, एंड तभी से इंडियन सोसाइटी में डिवीजन होने लगी थी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जो कि कभी पहले रिलीजन के बेसिस पर डिवीजन का कंसेप्ट नहीं था। बाद में इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है मुस्लिम लीग का, जिसकी वजह से उसी की वजह से पार्टीशन होता है कंट्री का ऑन रिलीजियस बेसिस इन 1947, एंड आज तक हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहे हैं। वॉज ऑल अबाउट द अलीगढ़ मूवमेंट। नाउ लेट्स कम टू आर नेक्स्ट मूवमेंट, दैट इज द देवबंद स्कूल। ये टोटली अगेंस्ट में था, जो भी अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा ये उसके अपोजिट स्कूल था, जिसकी वजह से हम इनका हमेशा ही एक साथ पढ़ते हैं और इनका कंपैरिजन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो देवबंद मूवमेंट थी वो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन के द्वारा लीड की जा रही थी, दैट वॉज मुस्लिम उलेमाज, क्योंकि जो इनकी टीचिंग्स थी वो थी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट की, कि जो भी कुरान की या हदीस की टीचिंग है उसको आपको रिवाइव करना है, उसको एज इट इज़ आपको लेकर आना है, ताकि जो मुस्लिम्स का जो रिलीजन है वो प्रमोट हो सके और जो मुस्लिम के जो कुरान है उसकी जो सैंक्टिटी है, प्योरिटी है, उसका सेम एज इट इज़ प्रमोशन हो सके। जो देवबंद मूवमेंट थी वो शुरू की गई थी दारुल उलूम में, जो कि एक इस्लामिक अकेडमिक सेंटर था देवबंद में, और जो देवबंद है वो एक सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है, दैट वॉज इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस। इस पर्टिकुलर मूवमेंट को स्टार्ट किसने किया था, ये स्टार्ट की गई थी मोहम्मद काजिम नैनोतवी के द्वारा।
1832 में, एंड बाद में राशिद अहमद गंगोई ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था। इनका मेन एम ये चल रहा था कि कैसे जो मुस्लिम की कम्युनिटी है उनके रिलीजियस लीडर्स हैं उनको ट्रेन किया जा सके, ताकि जो मुस्लिम रिलीजन है वो पूरे इंडिया पर डोमिनेट हो सके। अब इधर एक कंपैरिजन दिया गया है कि इन कॉन्ट्रास्ट टू द अलीगढ़ मूवमेंट, जो कि कह रही थी कि मुस्लिम सोसाइटी का वेलफेयर होना चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन वहाँ पर प्रमोट होना चाहिए, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रही थी, बट जो दियोबंद मूवमेंट का एम था वो था मॉरल एंड रिलीजियस रेनिजरेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। और जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी दियोबंद स्कूल्स में कॉलेजेस में, वो इस्लामिक रिलीजन की थी। यहाँ पर कोई भी वेस्टर्नाइजेशन हमें देखने को नहीं मिल रही थी। जो देवबंद स्कूल है उन्होंने वेलकम किया था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, एंड इन कंट्रास्ट जो कि हमने देखा था कि जब अलीगढ़ मूवमेंट के टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को उन्होंने वेलकम नहीं किया था, उन्होंने उसको तो हिंदू कांग्रेस के तौर पर डिफाइन कर दिया था, बट जो देवबंद स्कूल था उन्होंने उसको वेलकम किया था कि एक अच्छा स्टेप है। एंड इवन 1888 में जो देवबंद स्कूल है उन्होंने रिलीजियस डिक्री दैट वॉज फतवा तक जाहिर कर दिया था सर सैयद अहमद खान के ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, एंड इवन मोहम्मदिन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन के अगेंस्ट। तो दैट वॉज द डिफरेंसेज बिटवीन द देवबंद एंड द अलीगढ़ मूवमेंट। जो देवबंद के जो नए नए लीडर्स आ रहे थे महमूद उल हसन, उन्होंने देवबंद मूवमेंट को एक पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल कंटेंट दिया जाता है। वो काम कर रहे थे इस्लामिक प्रिंसिपल्स को, ताकि जो भी इस्लामिक के प्रिंसिपल्स हैं उनको एक जगह पर इंटीग्रेट हो सके, उनमें सिंथेसिस आ सके और नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस को पूरा हो सके। फिर जमियत उल उलेमा आते हैं जो कि जो हसन्स के आइडियाज़ थे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, रिलीजियस पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स को प्रमोट करते हैं, एंड ओवरऑल हिंदू मुस्लिम यूनिट के कंटेक्स में वो देख रहे थे, इन कॉन्ट्रास्ट टू द अलीगढ़ मूवमेंट जो कि हम देख रहे थे, जहाँ पर हमने देखा था कि उन्होंने मुस्लिम को अलग पोर्ट्रे किया था, हिंदू को अलग पोर्ट्रे किया था। लेकिन जो देवबंद स्कूल है वो काम कर रही थी इंडियन यूनिटी पर, हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं, इंडियन यूनिटी पर। तो ये ओवरऑल ऑल इंडिया मूवमेंट तो नहीं थी, बट इनका जो मेन आइडियोलॉजी थी वो थी कि कैसे जो हिंदू मुस्लिम्स के बीच में गैप्स हैं उसको ब्रिज किया जा सके। इवन इस पर्टिकुलर देवबंद मूवमेंट में इंग्लिश लैंग्वेज को भी प्रमोट किया जा रहा था, यूरोपियन साइंसेस को भी अपने सिस्टम में इंक्लूड कर दिया गया था। जो सिबली नमानी थे जो कि एक नए सपोर्टर थे देवबंद स्कूल के, उन्होंने फाउंड किया था नदवटल उलेमा एंड दारुल उलूम इन लखनऊ 1894 से लेकर 1896 में। वो बिलीव कर रहे थे आइडियलिज्म में कांग्रेस की, एंड कोऑपरेशन चाह रहे थे हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच में, ताकि हिंदू मुस्लिम आपस में डिफरेंट होकर ना देखें, एक स्टेट के तौर पर इकट्ठे काम करें और एक साथ प्यार के साथ साथ में रहें, क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी होगी तभी जो ब्रिटिशर्स हैं उनके अगेंस्ट हम फाइट कर पाएंगे, हम अपनी जो ताकत का प्रदर्शन है वो बखूबी निभा पाएंगे। अगर दो डिफरेंट सेक्शंस के लोग इकट्ठे आकर काम करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स शांति इस्टेब्लिश होगी और एक कड़ी टक्कर देने में हम कामयाबी हासिल कर लेंगे। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट द देवबंद स्कूल एंड मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स।